हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत स्वर्ण। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। कल था महाशिवरात्रि, तो आई होप कि सबका अच्छा ही गया होगा महाशिवरात्रि। तो हम लोगों ने तो सीधे अपने घर में मनाया, बट रात में वुमेंस डे था तो हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, जो कि आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। एंड इसी के साथ साथ आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय महाकाल। जय महाकाल, हर हर महादेव। कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको पैसा मिलता है। हाँ, मेरी मुझे तो पैसा मिलता है, भर भर के पैसा मिलता है सूटकेस में। 2 घंटे के लिए जाता तब भी पैसा मिलता है, और 2 दिन के लिए जाता तब भी पैसे मिलते हैं। कहाँ 2 घंटे के लिए जाते हैं? अच्छा, मुझे पैसे मिलते हैं अपनी सास को सपोर्ट करने के लिए। लग रहा है बिग बॉस का गेम चल रहा है कि सपोर्ट करने वाला पैसा मिलेगा। सब फर्जी है, कुछ भी बोलना होता है। खाने दीजिए। तो पैसा मिल रहा होता तो अभी हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, सिवान में ही बैठते। तो पैसा मिलता ही है, ऐसा थोड़ी पैसा नहीं मिलता है। मतलब सबका कहना ये है कि आप मम्मी को सपोर्ट ना करो। ये गलत बात है, माँ माँ होती है, मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, किसी की माँ हो, तो दुख में नहीं देखना चाहिए किसी को भी, सपोर्ट करना चाहिए। एंड हम हमेशा करेंगे। जो माँ का नहीं हुआ वो सारा किसी का नहीं हुआ। क्योंकि ये इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बिकॉज आप सबको पता है हमारी अम्मा नहीं है, और इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अगर मम्मी रोती हैं या कुछ भी होता है तो। क्योंकि जो चीज़ें माँ कंप्लीट करती है ना, वो दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता, जो दर्द जो दुख सब कुछ। और मेरी मम्मी को बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, मतलब गाली गलौज सब कुछ। तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप लोग उस बेसिस पे बोल रहे हो जो आपके सामने आ रहा है, तो जो आपके सामने आ रहा है वही गलत है, वो आना ही नहीं चाहिए सामने। क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी हमारे कंट्रोल में है कि हम क्या दिखाएं और क्या छुपाएं। अगर हम उस चीज़ को दिखा रहे हैं और उस चीज़ को छुपा रहे हैं तो वो हमारी मैच्योरिटी दिखाती है, दैट्स इट। और हाँ, हम लोग कुछ भी हो, दुनिया आकाश पाताल कुछ भी ऊपर नीचे हो, हम लोग हमेशा हम लोग आज हैं अपने मम्मी पापा के वजह से हैं, है ना लड्डू? माँ बाप पैदा किया तभी हम लोग हैं, नहीं तो होते थोड़ी। ना दुनिया देखते, ना दुनियादारी जानते, ना अपना पराया कुछ नहीं जानते। भगवान को पूजा पाठ करने से क्या फायदा, माँ बाप ही कुछ नहीं रहे घर में। तो इसीलिए हमारे लिए तो भाई बहुत प्रायोरिटी है, चाहे वो पापा जी हों या हमारे मम्मी पापा हों। स्पेशली ये किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को टारगेट किया, जनरल सी बात है कि माँ बाप को नहीं बुलाना चाहिए। और टारगेट तो हम लोग क्या, मतलब किसी को कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आप लोगों ने जितना बदतर से बदतर वाला कमेंट किया है, ये भी नहीं बोलूँगी कि आप लोगों ने कमेंट किया है तो चलो वो आपका सोच है हमारे प्रति, जो आप देख रहे हो उस बेसिस पे बोल रहे हो। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि इतना घटिया फील हो रहा है ना, इतना बुरा फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी साइड से आ रही हैं। तो मैं तो अपने साइड से कुछ नहीं डालती हूँ, और मैं तब ये वीडियोस बनाई हूँ जब बहुत लगातार कमेंट आ रहा था, बहुत ज़्यादा हद वाला, और हम तो हैं भी नहीं वहाँ पे, फिर भी इतना सारा बोला जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, अब इतना ही बोलूँगी। मैंने अपनी मम्मी से भी बोला है कि आप इधर कैमरा करो। कुछ लोग हैं ना, भैया भाभी को, प्रिंस भाभी को, मतलब कि सारे लोग का अलग अलग ओपिनियन है, जो कि पता नहीं लोग ब्लाइंड सपोर्ट रहे हैं क्या है। कोई भाभी को गाली दे रहा है, कोई भैया को दे रहा है, कोई मम्मी को, पापा को तो बचे हुए हैं, मम्मी को, प्रिंस बाबू बहन रंजना को। तो हम सुबह से ना अब तो रंजना को भी स्टार्ट हो गया, कम से कम सुबह से हम नहीं तो कम से कम 100 से ऊपर कमेंट जो है हम डिलीट किए हैं, ठीक है। लड्डू की मम्मी सोई हुई तो हम देख रहे थे, नोटिफिकेशन आ ही जा रहा था, आते जा रहा था, तो हम डिलीट किए। तो आप लोग किसी को भी यार ये सब मत कीजिए, आप लोग अच्छा सीन है। एंड मैं आप लोगों को सच सच ये बात बता दे रही हूँ कि मैं तो इतने कमेंट्स देखती भी नहीं हूँ, जितने मैं देखता हूं। ये देखते हैं क्योंकि मुझे क्या होता है ना, मतलब कि मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। एंड मैं ये सोच रही हूँ कि यार छोड़ो, बोल नहीं सकते क्योंकि बोलना बेकार है। जब पॉइंटलेस है अगर आगे वाली चीज़ों को आप 10 बार समझा के थक चुके हो, ये पहली बार तो कोई है नहीं, अब
10 बार से ऊपर हो चुका है, तो अगर नहीं समझ पा रहे हैं मतलब आपको जो दिख रहा है आप उसे अकॉर्डिंगली बोल रहे हो तो बोलते रहो। उस तरीके से आप लोग को बोलने का मौका मिल रहा है तो आप बोलिए, अब मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकती। बस इतना ही बोलूँगी, माँ बनना, माँ वर्ड बहुत सारे लोग इतना घटिया घटिया वर्ड बोल रहे हैं ना मम्मी के लिए, तो बस नो ऑफेंस टू एनीवन। इतना ही बोलूँगी कि जो भी हो रहा है बहुत बेकार हो रहा है, बहुत बकवास हो रहा है, जो भी हो रहा है अपनी फैमिली का ही तमाशा बन रहा है। तो बस व्लॉग को बढ़ाते हैं आगे, बात कहाँ की थी, कहाँ पे आ गए हम लोग, तो कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। बाकी तो कमेंट कंटेंट डालो, क्या आता है कमेंट, क्या मतलब हंसी आती है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि आप मतलब हमारे वीडियोस मतलब कैसे कैसे सब लोग देखते हैं। लगता है ना कि घर वाले जो है ना जितना वीडियो से परेशान नहीं है उतना कमेंट से परेशान है, सच में, क्योंकि इतना गंदा गंदा कमेंट, इतना गंदा गंदा चीज़ लोग करने लगता है लोग, तो ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। सही में इतना मतलब वो हो रहा है ना, लग रहा है कब घर पहुंच जाए या कब मम्मी पापा को यहाँ बुला ले, मतलब यार सिंपली इतना सुनना, हमारे पड़ोस में अगर कोई हम लोग के मम्मी पापा के बारे में बोल देना या कोई भी, तो लगता है क्या कर दे, और इतने सारे लोगों का बोलना तो बहुत बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बस ऐसा लग रहा है कि कब मम्मी पापा के पास जाए या मम्मी पापा को यहाँ बुलाए, क्योंकि ये सब चीज़ों से यार सोशल मीडिया हम लोगों के एज के लिए चलो ठीक है, लेकिन मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा ही वो है। और अगर मम्मी पापा कंटेंट बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आप लोग उसके रिलेटेड कमेंट ना करके जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें आप कमेंट कर रहे हो। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं किसी भी भाई को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, ना वो प्रिंस ना वो भैया, बस इतना बोलूँगी जो गलत है वो गलत है, और मेरे लिए माँ बाप ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि माँ बाप करती हूँ, माँ बाप के बाद भाई भाभी ही करेंगे, तो मैं इतना जान रही हूँ कि अगर माँ बाप के रहते भाई भाभी अगर कोई कुछ उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो नहीं रहने के बाद तो आई लीस्ट एक्सपेक्ट। लेकिन इतना ही बोलूँगी भाई भाभी भी रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब हम उस लायक हों, और हम भी तभी कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं बस इतना ही चाहूँगी कि घर में जो भी है सब शांति से रहे, और इंटरनली सब कुछ शांत है, बट ये वीडियो वीडियो चल रहा है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बहुत बकवास लग रहा है। और अब तो ऐसा हो गया है कि यार बस हम लोग बहुत ज़्यादा बोल देते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, इमोशनल नहीं होते हैं, मतलब सिंपैथिक नहीं होते हैं, तो सबको लगता है कि यार ये लोग बहुत मुँह फट है, तो वही हमारी प्रॉब्लम हो चुकी है कि चीज़ों को बोलना नहीं चाहिए बस। तो बढ़ाते हैं वीडियो को, आई होप कि आप ये व्लॉग को आगे देखेंगे, इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे घर में हो रहा था रुद्र अभिषेक, तो मैंने जस्ट मम्मी को ऐसे नॉर्मली फ़ोन किया था कि मम्मी का हालचाल वगैरह पूछ लूँ, तो बहुत ज़्यादा ही वो हो गया था, एक्चुअली हो क्या गया था, उनको उनकी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो फिर शांति के लिए कम से कम एटलीस्ट मन शांत रहे इसलिए पूजा हुआ था, और मैंने भी अपना पूजा कर लिया था, मुझे नहीं पता था इतना लेट होगा रुद्र अभिषेक। तो यहाँ पे फिर सुबह में एक्चुअली बहुत पहले ही मम्मी ने बोला था अच्छा लगा टाइम, पता भी यहाँ पे रुद्र अभिषेक स्टार्ट नहीं होता, लेकिन फिर बीच में प्लान पोस्टपोन कर रही थी, मतलब तो मैंने सोचा इधर उधर हो रहा है दुआ के लिए, मम्मी बोली फिर थोड़ी देर बाद जब रुद्र अभिषेक हो रहा था तब मैं तो करूँगी का कॉल आया, तो यहाँ प्रिंस का कॉल आया था दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने कॉल किया था तो बात हुई नहीं थी, फिर मैंने बोला कि अभिषेक होगा तो एक बार देख लूँगी, फिर आशीर्वाद लिया, क्योंकि रुद्र अभिषेक बहुत मुश्किल से मिलता है, वैसे लास्ट ईयर हमने कराया था अपने हाथों से, एक साल पूरा हो जाएगा तो फिर वापस से कराएंगे ऐसा सोचा है, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और पूजा वगैरह कभी भी होता है ना तो पता नहीं क्यों रोना सा आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे रखती हूँ, और बहुत अच्छा लगा कि मम्मी पापा का मतलब बहुत जल्दी एनिवर्सरी भी आने वाला है, और साथ साथ ऐसे जब भी पूजा करते रहता है ऐसा लगता है कि यार हमेशा दोनों लंबा जिए, मतलब जितने दिन भी मम्मी पापा रहे एकदम मम्मी हंसते रहे। इनको देख सकते आप लोग धीरे धीरे खिसकते, आवाज़ सुन ली मेरा, वो भैया का बेल्ट है कि तुम्हारा बेल्ट है, बुलाऊं मैं इसको, बुलाऊं प्रिंसेस, कहाँ जा रही हो बेटा, आओ आ
बेल्ट नहीं लगाते बेटा। हाँ गुड गर्ल, इनको पकड़ना है। वो अभी बहुत सारे कैलकुलेशंस और टेबल पढ़ते हुए बच्चों ने सुना दिया और हम लोग आए हुए हैं वुमेंस डे पे बाहर, तो खाने नहीं आए हैं, खाना लेके जाएंगे और भैया भाभी आए हैं तो सब साथ में खाएंगे। फिलहाल लड्डू और देवा यहाँ पे खा ले रहे हैं और लड्डू के पापा की तरफ से ये ट्रीट था, आपकी तरफ से था ना जी ये ट्रीट। इसका पिज्जा खाएंगे रात के 12 बजे में आएंगे पिज्जा, मूवी देखते देखते कोई वेब सीरीज देखेंगे। मूवी इतनी मस्त मस्त आजकल, मेरे को साउथ इंडियन मूवी अच्छी लगी है ना, मेरे को लगता है मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो रहा है उसके वजह से, तो मेरे पास जो टाइम बचता है साउथ इंडियन मूवी देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे बच्चे मेरे खा रहे हैं, तो यहाँ पे देवा और लड्डू दोनों ही खाना खा रहे हैं डोसा, और दोनों एक जैसे ही मिक्स कर करके खा रहे हैं। यस स्वीट एंड स्पाइसी मिक्सिंग इन स्वीट। अभी क्या हो रहा है, खा लो अच्छे से। How is it? Very good. Is it tasty? Yummy, है ना? You like dosa? So here it is, competition going on. Let's see who will finish first. Finish. वहाँ चलाना पड़ेगा। नहीं नहीं आप आराम से खाइए, कोई कॉम्पिटिशन नहीं। आंटी ग्लास तो यहाँ पानी कहाँ है देंगी। हैप्पी विनर हो जाएगा। फिनिश 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 करके पानी पी जाए, और ये भी अभी पियेंगे पानी आराम से। और ये है सुबह का माहौल, मेरी बेटी को मेरे पास से उठा करके लड्डू के पापा अपने पास सुला लिए थे और वो सो रही थी तो किस कर रहे थे, तो इनको प्यार आता है जब बेटी सोई रहती है, जब जगती है तब भी प्यार आता है। तो आज का ब्लॉग रहने देते हैं यहीं पे, आई होप ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर खूब सारे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड अभी तक अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए सुची जायसवाल, सुची प्रदीप_जायसवाल पे। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।